नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन न्यूज़ पर। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि रेलवे में जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया जा चुका है। यहाँ पर टोटल मिलाकर 14,000 प्लस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें जूनियर इंजीनियर, डिपोर्ट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट एंड केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट यानी कि CME के लिए भर्ती निकाली गई है। दोस्तों, JEE भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 जनवरी से 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट्स जूनियर इंजीनियर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार खत्म हो चुका है, रेलवे ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो फ्रेंड्स, जो भी इच्छुक कैंडिडेट्स हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, वो 2 से 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम JEE भर्ती के लिए ऑफिशियल सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको डिटेल सिलेबस, जो भी आपका ऑफिशियल सिलेबस है, वो बताने जा रहा हूँ। तो ऑफिशियल सिलेबस के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आप रेलवे एग्जाम से रिलेटेड वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं यहाँ पर CBT 1 और CBT 2 के सिलेबस के बारे में। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी CBT 1 और CBT 2 एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स का आप फॉलो कर सकते हैं, आप लोग एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू आप जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, कि आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेज CBT होगा। फर्स्ट स्टेज होने के बाद आपका CBT सेकेंड होगा, यानी कि सेकेंड स्टेज CBT होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम होंगे। फ्रेंड्स, ये चार प्रोसेस में आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज CBT की, कि फर्स्ट स्टेज CBT में आपका क्या रहेगा, क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। फर्स्ट स्टेज CBT के लिए आपका 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 90 मिनट का आपका पेपर के लिए ड्यूरेशन होगा। 120 मिनट फॉर एलिजिबल PWD कैंडिडेट्स, जो भी PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 120 मिनट का टाइम होगा, और जो इनके अलावा कैंडिडेट्स हैं इनके लिए 90 मिनट का टाइम होगा। यहाँ पर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। दोस्तों, द फर्स्ट स्टेज CBT इज ऑफ स्क्रीनिंग नेचर। जो आपका फर्स्ट स्टेज CBT होगा, जो आपका फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो स्क्रीनिंग नेचर का होगा, मीन्स क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फर्स्ट स्टेज CBT को आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। जैसे ही आप लोग फर्स्ट स्टेज CBT को क्वालिफाई करेंगे या पास करेंगे, तभी आप सेकंड स्टेज CBT में आगे पहुंच पाएंगे। यदि आप लोग फर्स्ट स्टेज को क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो आपका CBT 2 के लिए सिलेक्शन नहीं होगा, CBT 2 के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेज को क्लियर करना जरूरी है, क्वालिफाई करना जरूरी है। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज के सिलेबस की, कि फर्स्ट स्टेज के सिलेबस में आपके क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से टॉपिक पर आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की, कि आपका एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहेगा, किस टाइप से रहेगा। फ्रेंड्स, आपका मैथमेटिक्स एक सेक्शन होगा, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स के। जनरल साइंस 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के। टोटल, ऐसे टोटल मिलाकर आपके 100 क्वेश्चन होंगे, और वो आपके 100 मार्क्स के होंगे। इसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं सिलेबस की। हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, कि मैथमेटिक्स जो आपका सेक्शन है, उसमें कौन कौन से टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैथमेटिक्स सेक्शन में देखते हैं। आपका नंबर सिस्टम रहेगा, बोर्ड मास रहेगा, डेसिमल रहेगा, फ्रैक्शन, LCM एंड HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंशुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टेटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक्स, पाइप्स एंड सिस्टम्स। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक दे रखे हैं, ये जो सिलेबस दे रखा है, ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस रहेगा। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपके एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशियंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, एना
एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड अज्यूम्पशन। फ्रेंड्स ये आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सेक्शन के क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, जो आपका CBC 10th स्टैंडर्ड बेस पर इनमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस में, ये आपका जनरल साइंस का सिलेबस है। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि आपका फर्स्ट स्टेज CBT होगा, वो केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसे आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। तो फ्रेंड्स आपकी स्ट्रेटजी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो CBT 1 एग्ज़ाम है टेंटेटिवली अप्रैल और मई में है, यानी कि अप्रैल और मई में CBT 1 एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप लोग CBT 1 और CBT 2 दोनों को लेकर चलें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं, आपको आपकी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है। दोस्तों यदि आप ये सोचते हैं कि पहले हम फर्स्ट स्टेज की तैयारी करते हैं, जैसे ही फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाएगा उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद में हम सेकेंड स्टेज की तैयारी करेंगे, तो दोस्तों इस केस में आपके जॉब लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट आता है तो उसके करीब 40 या 45 दिन का टाइम आपके CBT 2 एग्ज़ाम के लिए दिया जाता है, जो कि बहुत कम होता है। 40 से 45 दिन में आप लोग प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, 40 से 45 दिन आपकी प्रिपरेशन के लिए कम पड़ जाते हैं। तो दोस्तों स्टार्टिंग से आपको CBT 1 और CBT 2 आपका जो दोनों एग्ज़ाम होने वाले हैं, इन दोनों के सिलेबस को आपको कवर करके चलना है, आपको इन दोनों से रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस है इन दोनों को लेके चलना है, तभी आपकी पॉसिबिलिटी एग्ज़ाम में पास होने की बढ़ जाती है, सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स आपको दोनों एग्ज़ाम को एक साथ लेके चलना है। दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, कि मैथमेटिक्स के लिए आप लोग को मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को क्या फॉलो करना है, आप लोगों के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी, आप लोग कौन सी बुक का यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये मैथमेटिक्स सेक्शन बेसिक सेक्शन है, जो लगभग लगभग गवर्नमेंट हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपके बेसिक टॉपिक्स हैं जो आप लोग अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ रहे हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स सेक्शन में अच्छे हैं, कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिनको प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स आप लोग RS अग्रवाल की एक जो बुक आती है उसको फॉलो कर सकते हैं मैथमेटिक्स सेक्शन के लिए, आप लोग RS अग्रवाल की बुक को यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। जो लोग कर रहे हैं वो उनको अच्छे से पता है कि उस बुक का क्या लेवल है, उस बुक में से किस टाइप से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वो बुक एग्ज़ाम के लिए फॉलो करनी चाहिए, आप लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करते हैं, तो ये भी आपके बेसिक टॉपिक्स हैं, बेसिक सेक्शन हैं जो लगभग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग RS अग्रवाल की बुक का यूज़ कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आपके 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके जनरल अवेयरनेस में कम ही क्वेश्चन हैं जो आपके कम ही मार्क्स के हैं, इतना मार्क्स का वेटेज नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ पर करंट अफेयर्स, जो भी नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स है उसके लिए आप मंथली प्रिपरेशन कर सकते हैं, मंथली मीन्स की मंथली बुक्स आती है इसके लिए, या फिर आप लोग ईयरली बुक का भी यूज़ कर सकते हैं, क्रोनोलॉजी वगैरह जो भी है करंट अफेयर्स के लिए आप लोग उसका यूज कर सकते हैं। जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस होगा, जो आपका CBSE 10th का स्टैंडर्ड होगा, इसके लिए आप लोग लूसेंट की जो बुक आती है उसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर CBT 1 के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स रखा है, जो आपका UR यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 40% है, OBC के लिए 30% है, SC के लिए 30%, ST के लिए 25%। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको ऑब्टेन करने हैं CBT 1 में, तभी आप सेकेंड स्टेज CBT में आगे पहुंच पाएंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज CBT की, कि आपका सेकेंड स्टेज CBT में क्या सिलेबस रहने वाला है। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सेकेंड स्टेज CBT के लिए आपके जितनी पोस्ट है उनका 15 गुना कैंडिडेट्स को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि जो बच्चे CBT 1 में पास होंगे उनका CBT 2 के लिए सिलेक्शन होगा, और CBT 2 के लिए 15 गुना जितनी पोस्ट है उनका 15 गुना बच्चों को CBT 2 के लिए प्रीफर किया जाएगा,
15 गुना बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर सीबीटी 2 के लिए आपके 120 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा, 160 मिनट फॉर एलिजिबल पीडब्ल्यूडी, जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 160 मिनट का टाइम रहेगा। सीबीटी 2 के लिए आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में देखते हैं हम पहले एग्जाम पैटर्न, देखते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कौन कौन से टॉपिक होंगे आपके। दोस्तों यहाँ पर जनरल अवेयरनेस होगा जो आपका 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होगा 15 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, टेक्निकल एबिलिटीज 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ऐसे टोटल मिलाकर आपके 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होंगे और इसके लिए 120 मिनट का टाइम रहेगा। दोस्तों यहाँ पर ये जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन, ये आपके बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपके करीब करीब एग्जाम में होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका एक टॉपिक है टेक्निकल एबिलिटीज, जो आपके जो आपने किस किसी टेक्निकल फील्ड से किसी टेक कोई भी पर्टिकुलर फील्ड कोई भी पर्टिकुलर कोर्स अप्लाई किया हो तो यहाँ पर आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपके 100 क्वेश्चन होंगे और वो क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के होंगे। तो फ्रेंड्स ये आपका कुछ डिफरेंट टॉपिक है जो आपका टेक्निकल ट्रेड से रिलेटेड है। फ्रेंड्स हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे आपका नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स होगा, इंडियन ज्योग्राफी होगा, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात करें तो अप टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस, जो आपका 10th स्टैंडर्ड, जो आपका 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई लेवल होगा उसके बेस पर आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में क्वेश्चन होंगे। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें इस सेक्शन में आपके आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज, स्टोरेज डिवाइसेज, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स, एमएस ऑफिस, वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेट एंड ईमेल्स, वेबसाइट एंड वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरसेज, ये जो टॉपिक है ये आपके कंप्यूटर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन में होंगे। बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल की बात करें तो बेसिक ऑफ एनवायरमेंट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटजीज, एयर वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन, दियर इफेक्ट एंड कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन। दोस्तों ये आपके बेसिक्स एंड एनवायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल का सिलेबस रहेगा। टेक्निकल एबिलिटीज़ की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर टेक्निकल एबिलिटीज़ के लिए बहुत सारा सिलेबस है, बहुत से टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं, तो हम इसके बारे में भी बात करते हैं। टेक्निकल एबिलिटीज़ में आपका क्या सिलेबस रहने वाला है। दोस्तों उससे पहले हम बात करते हैं डिसिप्लिन मैपिंग टेबल्स। फ्रेंड्स यदि आपकी आपके बीटेक बी या डिप्लोमा में ये ब्रांच है जो यहाँ पर दे रखे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, जो भी यहाँ पर ब्रांच दे रखी है, तो आप लोग मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग एग्जाम ग्रुप, ये जो आपका एग्जाम ग्रुप है मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग, इन ब्रांच वाले बच्चे मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग एग्जाम ग्रुप में आते हैं। यदि आपका ब्रांच ये है जो आप यहाँ पर दे रखा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एनी स्ट्रीम ऑफ जो भी है, ये इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग एग्जाम ग्रुप में आते हैं। दोस्तों यदि आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो भी यहाँ पर ये ब्रांच दे रखी है, तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग ग्रुप में आते हैं। फ्रेंड्स सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग ग्रुप वालों के लिए ये ब्रांच है बीएससी जो भी यहाँ पर दे रखी है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग वाले प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एग्जाम ग्रुप में आते हैं। यहाँ पर सीएमए की बात करें तो सीएमए में बीएससी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स वाले हैं एग्जाम ग्रुप। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो बी बी टेक कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पीजीडीसीए, बीएससी जो कंप्यूटर साइंस में है, बीसीए, डीओईसीए, डीओईएससीसीबी लेवल, जो भी आपका 3 ईयर का ड्यूरेशन है वो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जाम ग्रुप में आते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं टेक्निकल एबिलिटीज, जो आपका एक सेक्शन था सेकंड स्टेज सीबीटी के लिए, उसके सिलेबस के बारे में हम यहाँ पर उसके सिलेबस के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो
तो फ्रेंड्स ये देखिए सिलेबस फॉर सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग एग्जाम ग्रुप जेई, जो आपका सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग एग्जाम ग्रुप है, इसके लिए हम सिलेबस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर आपका बहुत सारा सिलेबस है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो भी आपके यहाँ पर एग्जाम के टॉपिक है, जो भी आपका यहाँ पर सिविल एंड इंजीनियरिंग, सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग का जो आपका एग्जाम ग्रुप है उसके सिलेबस में ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना सारा सिलेबस है। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि कितना सारा एग्जाम के लिए सिलेबस है। दोस्तों यहाँ पर ये देखिए सिलेबस फॉर इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग, जो आपका इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग वाले ग्रुप का है, ग्रुप का सिलेबस है, तो यहाँ पर ये लोग भी आप लोग देख लीजिए कि कितना सिलेबस है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग एग्जाम ग्रुप की बात करें तो आप लोग ये देखिए कि आपका यहाँ पर भी कितना सिलेबस है, ये आपके सब टेक्निकल फील्ड है, ये आपका सब टेक्निकल पूरा सिलेबस है, आपका टेक्निकल का पूरा सिलेबस है, बी बी टेक डिप्लोमा का जो भी है यहाँ पर ये आपका पूरा सिलेबस है। मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग एग्जाम ग्रुप वाले ये देख लीजिए कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये आपका टेक्निकल एबिलिटीज है, जो भी आपका टेक्निकल है, जो भी आप लोग टेक अपनी ब्रांच सेलेक्ट करोगे वो आपके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। फ्रेंड्स टेक्निकल एबिलिटीज के लिए जो भी आपका सिलेबस है उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसमें हम इसके बारे में कंप्लीट में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स अभी अभी आप लोगों के लिए बस इतना ही, यहाँ पर इतना ही मैं आपको बता पाऊंगा कि आप लोगों का जो बेसिक जनरल है, जनरल सिलेबस यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, तो आप लोग अपना सिलेबस यहाँ पर देख लीजिए। इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आप लोगों को कम्प्लीटली डिस्कस करूंगा, कम्प्लीटली आप लोगों को इसके बारे में समझा दूंगा, तो आप लोग अभी यहाँ पर ये देख लीजिए। फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप लोगों को CBT 1 और CBT 2 दोनों को आप लोगों को साथ में लेकर चलना है, तभी आपका एग्जाम, तभी आपका भर्ती के लिए सिलेक्शन हो सकता है। यदि आप लोग ये नहीं करते हैं और ये सोचते हैं कि पहले हम CBT की प्रिपरेशन कर लेंगे, उसके बाद में जैसे रिजल्ट आएगा तो उसके बाद में हम CBT की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो फ्रेंड्स इस केस में आपका जॉब लगने के चांस, आपके सिलेक्शन होने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो आपको स्टार्टिंग से ही CBT 1 और CBT 2 को ही लेके चलना है, दोनों की प्रिपरेशन आपको साथ में करनी है। CBT 2 के लिए यदि आपसे ज़्यादा भी नहीं हो पाए तो आपका जो भी आपका टेक्निकल सिलेबस है आप लोग कम से कम उसको तो फॉलो कर सकते हैं, आप लोग कम से कम उसका तो स्टडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा आपको दोनों को साथ में लेके चलना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें अपनी राय बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।